बिहारी जी ने श्रृंगार के संयोग का ही इतना सुंदर चित्रण नहीं किया, बल्कि उन्होंने वियोग का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। एक वियोग का, जब प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका अलग अलग हैं, तब उन्हें कैसा महसूस होता है, एक दूसरे के भाव से वो किस प्रकार जुड़े होते हैं, इसका उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर उनका लिखित एक दोहा आप देखिए, कहते हैं पत्र लिखने की बात है कि प्रेमिका ने पत्र लिखा, लेकिन वो इतनी भाव विभोर है, इतनी वियोग में जल रही है कि वह पत्र चाहकर भी लिख नहीं पाती। और फिर अंत में क्या होता है कि उस पत्र को बंद करके वो ऐसा ही पोस्ट कर देती है, और पाने वाला भी उस बिना लिखे पत्र को पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है जरा देखिए, कि तर झरसी ऊपर गिरी का जल जल छिड़काए, पिउ पाती बिनहू लिखी बाची बिरह बिला। तर झरसी, पत्र लिखने के लिए बैठती है हाथ में, लेकिन हाथ इतने गर्म है, शरीर इतना तप रहा है, वियोग की अग्नि में वो नायिका जल रही है, तो तर झरसी ऊपर गिरी, जब पत्र को हाथों में रख कर लिखना चाह रही है तो, और वियोग के कारण उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, तो उस पत्र पर जो काजल से मिश्रित जब आंसू गिरते हैं तो होता क्या है कि एकदम से आंसू तो सूख जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गर्म है, गर्मी के कारण आंसू सूख जाते हैं और उस पर काजल के आंसुओं के छोटे छोटे निशान जो हैं वो उस पर रह जाते हैं। नायिका इतनी परेशान है, लिखना चाहती है लेकिन लिख नहीं पाती, एक तो विरह अग्नि में वो जल रही है और दूसरा क्या है कि आंसू जो है वो उसे लिखने नहीं दे रहे हैं, बार बार उसे प्रेम के कारण, उस वियोग के कारण, प्रेम में जो वियोग है उसके कारण उसके आंसू बह रहे हैं और वो लिखना चाह कर भी लिख नहीं पा रही है। एकदम से काजल जल छिड़का, काजल मिक्स जो जल है वो उस पत्र पर पड़ता है, आंसू तो जो है वो भाप बनकर उड़ जाते हैं, उनके निशान मात्र उस पत्र पर रह जाते हैं, और नायिका से जब पत्र नहीं लिखा जाता तो वो उसे ऐसे ही पोस्ट कर देती है, भेज देती है। तब क्या है, तर झरसी ऊपर गिरी काजल जल छिड़काए, पिउ पाती बिन हूँ लिखी, बिना लिखे ही, और भेज देती है। और वो नायक भी जब उस पत्र को खोलता है तो उसमें जो काले काले जो स्पॉट हैं, जो निशान हैं, जो काजल के आंसुओं के जो निशान हैं, उन्हें देखते ही समझ जाता है कि यह पत्र किसने और कैसे लिखा है, ये प्रेम की अधिकता है। और यहाँ पर कवि ने एक वियोग का सुंदर चित्रण किया है, ऐसा चित्रण है, कहना चाहिए इससे सुंदर चित्रण और हो ही नहीं सकता, कि कैसा है कि बिना लिखे ही पात्र जो नायक है वो उस पत्र को पढ़ भी लेता है। ये होता है प्रेम, ये होते हैं भाव जो बिना बताए ही एक दूसरे की समझ में आ जाते हैं। और कैसा विरह है कि नायिका उस विरह में इतनी जल रही है कि उस नायिका के पास उसकी सखियां भी जाने का साहस नहीं कर पाती, भाई सांत्वना देने के लिए जाना चाहती हैं कि भाई नायक अभी तुमसे दूर है तो हम तुम्हारा कुछ मन बहलाव करें, लेकिन वो साहस करना चाहती हैं कि उसके पास जाना चाहती है, लेकिन कैसे जाएं क्योंकि वो विरह अग्नि में जो है वो जल रही है। तो क्या करती है, गीला कपड़ा लेके, कपड़े को भिगो कर अपने सामने रखकर उस नायिका के पास जाती हैं कि आले दे आले बसन, जाड़े हूं की रात, साहस कर नेह बस सखी सबे ढिंग जा। साहस करती हैं उसके पास जाने का, लेकिन साहस कैसे कर पाती हैं, जब गीला कपड़ा अपने सामने लगा लेती हैं, और वो भी कैसे मौसम में, जाड़े हूं की रात, यानी सर्दियों की रात में भी उन्हें गीला कपड़ा अपने साथ लेके सामने लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि वो विरह अग्नि से कहीं उनको भी न जला दे। नायिका इतनी विरह में जल रही है, इतनी तप रही है, इतनी परेशान है कि विरह का प्रभाव उस पर इतना ज्यादा है कि वो जाड़े की रात में भी अग्नि का प्रभाव उसमें प्रतीत होता है, और उसकी सखियां जो प्रेम के कारण उसके पास बार बार जाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, उसका सहारा बनना चाहती हैं, वो क्या करती हैं, गीले कपड़े को साथ लेकर सामने लगाकर वो उसके पास जाती हैं, आड़े दे सामने रखकर, आले बसन गीले कपड़े को रखकर,
और जाड़े हो की रात साहस कर नेह बस। प्रेम के कारण वो अपनी सखी के पास जाती हैं और कैसे जाती हैं, साहस करके उस कपड़े को लगाकर सखी सब ढिंग जात उसके पास जाती हैं और कैसे जाती हैं, जाड़े की रात में भी आड़े दे आले बसन गीले वस्त्र को ले जाकर सखी सब ऐसे ढिंग जात और कैसे उसके पास जाती हैं कि वो गीला कपड़ा साहस कर करने बस सखी सब ढिंग जाती। उसकी सखियां जो हैं वो उसके पास बड़ी मुश्किल से जा पाती हैं जब वो गीले कपड़े को लेकर उसके साथ जाती हैं। तो विरह अग्निका ऐसा चित्रण अन्यत्र मिलना मुश्किल है। तो जहां पर बिहारी जी ने श्रृंगार का चित्रण किया है वहीं पर विरह का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। हर एक पक्ष को उन्होंने लिया है, श्रृंगार के हर पक्ष को लिया है। प्रेम के उन्होंने दिखाया है कि प्रेम भी कैसा, आंखों का चित्रण भी उन्होंने किया, प्रेम का चित्रण भी किया और विरह का चित्रण भी किया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि कितना अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो सर्दियों की रात में भी उसकी सखियां कैसे जाती हैं गीला कपड़ा लेकर उसके पास जाने का साहस कर पाती हैं, अन्यथा तो वो जा ही नहीं सकती। तो इस तरीके का चित्रण बिहारी जी ने किया है।